देखिए, अब इनडायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, और इनडायरेक्ट जीन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक हार्डी थे और एक वेनबर्ग थे। ये हार्डी मैथमेटिशियन है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, कहाँ के? ब्रिटिश मैथमेटिशियन है। और ये वेनबर्ग ये फिजिशियन है, और ये फिजिशियन कहाँ के मैं भी भूल गया, कहीं के हैं शायद इंग्लैंड के हैं, कहीं के हैं, देख लीजिएगा आप, लेकिन ये फिजिशियन है, मतलब फिजिक्स के हैं ये, ठीक है, और ये मैथ्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ने मिलके क्या किया, क्या हो रहा है, ये लगता है कर्सर मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, बार बार हो रहा है। हाँ, तो ये दोनों मिलके मैथ्स और फिजिक्स वाले लोग मिलकर क्या किए, पहले बायोलॉजी को समझे थोड़ा सा, क्या समझे भाई, कि जीन फ्रीक्वेंसी नाम का कोई चीज होता है, और जो पॉपुलेशन में कोई भी इंडिविजुअल के अंदर जो जीन होता है उसको काउंट कर करके जीन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया, एक प्रिंसिपल दिया, पहले उस प्रिंसिपल को समझेंगे तब देखेंगे इनडायरेक्ट जीन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। इन लोगों ने कहा कि किसी भी एक लार्ज पॉपुलेशन में, क्या बोला अंडरलाइन कीजिए, किसी भी एक लार्ज पॉपुलेशन में, कोई भी एक लार्ज पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी जो होता है, जीन फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होती है, रिमेंस कांस्टेंट। इन्होंने बोला कि चेंज होती ही नहीं है, रिमेंस कांस्टेंट, मगर कुछ शर्त है, वो शर्त अगर फुलफिल होगा तो कोई भी एक लार्ज पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। क्या शर्त है? इन्होंने बोला पांच शर्त है। वो पांच शर्त क्या है, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में। पहला, हम वो एक्सप्लेन भी करेंगे पांचों शर्त, नो नेचुरल सेलेक्शन, मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, नो नेचुरल सेलेक्शन। नेक्स्ट, नो सेक्सुअल सेलेक्शन, नो सेक्सुअल सेलेक्शन, इसी को बोलते हैं रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग। नेक्स्ट वन, नो म्यूटेशन, नो म्यूटेशन। नेक्स्ट वन, नो जीन फ्लो, नो जीन फ्लो। और लास्ट वन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन पांचों में से कुछ नहीं होना चाहिए वहां पे, तब जाके उस लार्ज पॉपुलेशन का जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। आइए एक एक करके समझते हैं। वैसे इसमें आपको जितने भी टर्मिनोलॉजी दिख रहे हैं, ये सारे टर्मिनोलॉजी इवोल्यूशन के, मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा उस टाइम भी, ये लॉ फिर से पढ़ाऊंगा उस टाइम, लेकिन अभी चूंकि आपके जेनेटिक्स में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में है, तो आप यहाँ पे भी एक बार शॉर्ट में समझ लो, ठीक है। मैंने कहा कि यह एक पॉपुलेशन, ठीक है, और ये एक छोटी पॉपुलेशन है, ये लार्ज पॉपुलेशन, ये छोटा पॉपुलेशन है, इसको मैंने बोला पॉपुलेशन ए, और इसको मैंने बोला पॉपुलेशन बी। अब बताओ, मैंने कहा कि लार्ज पॉपुलेशन का मतलब क्या, कि लार्ज एरिया में कई सारे लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा, कई सारे इंडिविजुअल रह रहे हैं, ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, और यहाँ पे दो लोग रह रहे हैं, मुश्किल से दो या तीन लोग, तो वो स्मॉल पॉपुलेशन है। हार्डी वेनबर्ग कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन लार्ज है, ये अंडरलाइन कर लो, लार्ज का मतलब यहाँ क्या, वो कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन लार्ज है ना, तो थोड़ा बहुत अगर जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, इसीलिए लार्ज पॉपुलेशन उन्होंने कंसीडर किया। मैं फिर बता दूं, हार्डी वेनबर्ग का लॉ स्मॉल पॉपुलेशन पे अप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। पहले समझिए, लार्ज पॉपुलेशन है तो जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, मगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, मैं बताऊं बच्चों आपको, मैं जब इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल है, मान लिया जाए पॉपुलेशन ए में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 मुंडे हैं, नेचर क्या करती है ना, 100 मुंडे में जो ज्यादा फिटनेस शो करती होगी, नेचर उसको सेलेक्ट करती है। और फिटनेस फिर कई मैनर में होता है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा नेचुरल सिलेक्शन तब भी बताऊंगा, फिटनेस कई मैनर में होता है, नेचर क्या करती है, जो ज्यादा फिट है नेचर उसको हिट करती है, नेचर उसको सेलेक्ट करती है, दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। अब मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे जो ये, मान लो आपको 100 लोग दिख रहे हैं, सपोज यहाँ डायग्राम में 5 दिख रहे हैं, मैंने 100 लिखा, मान लो इसके पास कैपिटल ए, कैपिटल ए लील है, इसके पास कैपिटल स्मॉल है, इसके पास स्मॉल ए है,
इस दोनों का पास स्मॉल है और इसके पास फिर कैपिटल है, कैपिटल है। नेचर ने क्या किया, नेचर को लगा कि ये कैपिटल है, कैपिटल वाले बड़े अच्छे लोग हैं यार, ये काम किया, मतलब ये किसी भी एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस को फेस कर लेते हैं, तो नेचर क्या करेगी, इसको सेलेक्ट कर लेगी। अब बताओ अगर नेचर इसको सेलेक्ट कर लेगी तो ऐसे ही लोग आपस में शादी कर करके अपना बच्चा बढ़ाते जाएंगे, और ऐसे लोग नेचुरल डिस्टर्बेंस की वजह से ही मर जाएंगे। नेचर उसको सेलेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए या तो मर जाएंगे या नहीं तो उनको मेटिंग का मौका ही नहीं मिलेगा, उस साइड में कोना होकर परल रहेंगे। तो इसका मतलब नेचर ने प्रीफर किया है किसी को, और अगर नेचर ऐसा करती है तो वो नेचुरल सिलेक्शन है। अब आप कॉमन सेंस लगा के बताइए, अगर नेचुरल सिलेक्शन हो जाए तो किसी एक टाइप के इंडिविजुअल का, किसी एक प्रकार के जीनोटाइप के इंडिविजुअल का नंबर अगर पॉपुलेशन में जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ने लगेगा तो बताइए जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा या नहीं होगा। जिनको लगता है होगा वहां हाथ खड़ा कीजिए। अगर नेचुरल सिलेक्शन हो जाए तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, किनको ऐसा लगता है हाथ खड़ा कीजिए। रिभा नहीं होगा, होगा। अरे यार मैंने कहा नेचुरल सिलेक्शन, मतलब क्या आप समझ रहे हो, इस टाइप के जीनोटाइप को, मतलब इस टाइप के जो भी इंडिविजुअल हैं नेचर उसको फेवर कर रही है तो वो लोग सेलेक्ट होते जाएंगे, उनको जीने का हक ज्यादा देगी नेचर, उसको जीने का अधिकार ज्यादा मिलेगा, तो वो अपना जनरेशन ज्यादा बढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन में अपना जीन देंगे, अलील देंगे, तो जनरेशन बाय जनरेशन इस पॉपुलेशन में तो इस टाइप के इंडिविजुअल बढ़ते चले जाएंगे ना। तो अगर कैपिटल ए का नंबर जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ता चला जाएगा और स्मॉल ए वाले को मौका ही नहीं मिलेगा मेटिंग का, वो अपना जनरेशन कम बढ़ा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्वेंसी तो चेंज हो ही जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, तो ये समझ में आया नेचुरल सिलेक्शन नहीं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन यदि होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, लेकिन हार्डी वेरबगन ने क्या बोला कि अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो बात तो सही है यार, ये बात तो सही है ना कि अगर नेचुरल सिलेक्शन ना हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, नो सेक्सुअल सिलेक्शन। देखो क्या नेचुरल सिलेक्शन सेक्सुअल सिलेक्शन लगभग एक ही जैसा है। अगर मैं डार्विन के अकॉर्डिंग बात करूं ना, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन को सेक्सुअल सिलेक्शन के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज नेचुरल सिलेक्शन के और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो बाद में डार्विन के बाद आए थे, वो लेसन में बताएंगे। तो अगर डार्विन के अकॉर्डिंग सोचे तो सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब वही कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप के जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म को मेटिंग का प्रिफरेंस मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है यार, अगर मेटिंग का प्रिफरेंस किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म को मिल रहा है तो वही अपना नंबर नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ा पाएगा और उसी का जीनोटाइप नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो फिर से एलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रखना है तो बताओ सेक्सुअल सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होगा तब जाके किसी को प्रिफरेंस नहीं मिलेगा, हर लोग अपने मर्जी से मेटिंग करेंगे, हर कोई अपना नंबर बढ़ाएगा और एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, भले ही पॉपुलेशन का मेंबर बढ़ता चला जाए लेकिन हर कोई अपना अपना नंबर बढ़ाएगा। और इसी को बोलते हैं, सुनिएगा, अगर सेक्सुअल सिलेक्शन हो जाए तो मेटिंग रैंडम है या सेलेक्टेड है। अगर सेक्सुअल सिलेक्शन हो, रिभा बताओ, अगर सेक्सुअल सिलेक्शन हो जाए तो मेटिंग रैंडम है या सेलेक्टेड है? सर फिर से क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं कि अगर सेक्सुअल सिलेक्शन हो जाए पॉपुलेशन में, किसी लोगों को चुन चुन के प्रिफरेंस दिया जाए मेटिंग के लिए, तो यह रैंडम मेटिंग है या सेलेक्टेड मेटिंग है? सेलेक्टेड है। तो अगर पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है तो तुम ही बताओ सेक्सुअल सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सेक्सुअल सिलेक्शन होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, अगर कांस्टेंट रखना है तो किसी को प्रिफरेंस मत दीजिए, नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं होगा सेक्सुअल सिलेक्शन तो बताओ वो रैंडम मेटिंग है या सेलेक्टेड मेटिंग है? नहीं होगा तो रैंडम रैंडम मेटिंग है। तो यहीं पे बंद कर लो माइक, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको क्वेश्चन में लिखा मिल जाता है नो रैंडम मेटिंग फॉर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, गलत है। रैंडम मेटिंग होना चाहिए,
मतलब कि सेक्सुअल सेलेक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नो म्यूटेशन। अच्छा म्यूटेशन से क्या होता है? अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो इस पर्सन के अंदर म्यूटेशन हो गया, तो इसका जो स्मॉल ए अलील है वो चेंज करके कोई एक नया ही अलील बना लिया, मान लो एक्स अलील बना लिया। तो अब बताओ अगर कोई नया अलील बना लिया तो स्मॉल ए अलील का पर्टिकुलर स्मॉल ए अलील जो वो एक्स में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट जनरेशन में तो वही जाएगा। तो बताओ नया अलील के इंट्रोड्यूस होने से पहले जो कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी आता था स्मॉल ए का आता था वो दोनों चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक्स भी तो अब कुछ परसेंटेज लेगा ना, एक्स भी तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन अब देगा ना उस पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल आएगा। तो उस पॉपुलेशन के अंदर अब एक्स भी कुछ आ गया तो ए और कैपिटल ए जो पहले था वो नहीं रहेगा। मतलब म्यूटेशन अगर हो गया तो बताओ जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा कि नहीं होगा? ईरान अगर म्यूटेशन हो गया आवाज नहीं आ रहा है। चेंज होगा सर। हाँ अगर म्यूटेशन हो गया तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, लेकिन हार्डवेयर में तो क्या बोलते हैं म्यूटेशन नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। तो सही बात है, नो म्यूटेशन नो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट वन जीन फ्लो। अब बताओ यहां पर ये स्मॉल ए वाले रह रहे थे, इनको लगा कि यार ये कैपिटल ए वाले बहुत परेशान करते हैं मुझे, तो ये पॉपुलेशन को छोड़ के चले गए पॉपुलेशन ए में नाराज होके, ठीक है? तो बताओ अगर ये स्मॉल ए वाले उधर गए तो अपने साथ तो जीन भी लेके गए होंगे, अपना जीन लेके गए होंगे, तो यहाँ पे स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो घट जाएगा, और स्मॉल ए का घटेगा तो स्मॉल ए का चेंज होगा तो कैपिटल ए का भी चेंज होगा, समझ रहे हो? अब कोई दूसरे प्लेनेट के कोई रहता था, मान लो कि स्मॉल ए वाला एक इधर रहता था, दो इनको लगा कि मेरे दोस्त लोग वहां पे अच्छे से रहते उनको कोई परेशान नहीं करता है, तो वो उधर से इधर आ गए, फिर स्मॉल ए का चेंज हो गया। मतलब अगर जीन फ्लो हो गया दो पॉपुलेशन के बीच में माइग्रेशन की वजह से, चाहे वो आना हो चाहे वो जाना हो, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन और आइमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब एग्जिट जाना, आइमिग्रेशन मतलब इन मतलब आना। किसी भी पॉपुलेशन से अगर कोई चला गया या कोई इसमें आ गया तो माइग्रेशन है। और बताओ माइग्रेशन की वजह से क्या होगा? जीन फ्लो। और अगर जीन फ्लो होगा तो बताओ नवीन जीन फ्रिक्वेंसी चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि जीन फ्रिक्वेंसी चेंज ना हो तो क्या होना चाहिए? नो जीन जीन फ्लो नहीं होगा तो नो जीन फ्लो। अब आता है नो जेनेटिक डिस। मैंने आपको बोला है सडन किसी भी कारण से कुछ ऐसा हुआ कि इस पॉपुलेशन का आधा से अधिक मेंबर, मान लो कि 1/4 मेंबर किसी भी कारण से गायब हो गया, अब वो मरेंगे तो अपना तो जीन लेके जाएंगे, अचानक सडन कुछ भी ऐसा हो गया सडन तो मरेंगे अपना अलील लेके जाएंगे जीन लेके जाएंगे तो आप पॉपुलेशन में फिर से काउंट करोगे जीन फ्रिक्वेंसी। तो बताओ रिभा अगर जेनेटिक डिफेक्ट आया किसी भी कारण से उस इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल मर गए अपना जीन लेके गए तो बताओ जीन फ्रिक्वेंसी चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। फिर तुम गलत सोच रहे हो। अरे जो लोग मरेंगे वो लोग तो अपना जीन लेके जाएंगे ना। यस सर। तो वो अपना लेके जाएंगे तो पहले अगर मान लिया जाए कि स्मॉल ए का जो पूरा ओवरऑल आता था जो परसेंटेज मान लिया जाए 0.6 आता था, तो कुछ लोग ऐसे मरे जो स्मॉल ए ही रखते थे, वो अचानक से गायब हो गए पॉपुलेशन से किसी कारण बस, तो गायब हो गए तब 0.6 से तो कम हो जाएगा ना, तो चेंज होना ही तो हुआ है ना ये। तो अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया तो जीन फ्रिक्वेंसी चेंज होगा। तो अगर आप चाहते हो कि जीन फ्रिक्वेंसी चेंज ना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। बोलो ये सारा पॉइंट सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये वो सारे फैक्टर हैं जो नहीं होंगे अगर पॉपुलेशन में तो जाके जीन फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगा। अब बात आती है कि सर हार्डी वेनबर्ग ने पॉपुलेशन लार्ज क्यों लिया? देखो यार क्या लगता है नेचुरली ऐसा हो सकता है क्या कि नेचुरल सेलेक्शन ना हो, सेक्सुअल सेलेक्शन ना हो, म्यूटेशन ना हो, जीन फ्लो ना हो और जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो? क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे बोलो रिभा। पॉसिबल है ऐसा प्रैक्टिकली? नहीं। तो वो तो हो गई,
नेचर तो इवॉल्व करेगी, नेचर तो सेलेक्ट करेगी अच्छे लोगों को, अच्छे इंडिविजुअल को। सेक्सुअल सेलेक्शन भी होगा, मैं आपको इवोल्यूशन में बताऊंगा। म्यूटेशन भी हो रहा है, होता रहेगा। जीन फ्लो भी होगा, ऐसा थोड़ी है कि उतने लोगों में कोई नाराज ना हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होगा, वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। तो हारी मैडम ने क्या बोला कि यदि हम लार्ज सैंपल में स्टडी करें, लार्ज पॉपुलेशन में स्टडी करें, तो वहां अगर थोड़े बहुत चेंजेस आ भी जाएंगे तो वो नेग्लिजिबल होंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, सैंपल को लार्ज ले लिया, लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में प्रैक्टिकली ये बातें पॉसिबल नहीं है। लार्ज पॉपुलेशन में भी ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन लार्ज पॉपुलेशन में अगर ये सारे चेंजेस होते हैं तो बहुत माइनर होंगे, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। और अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, तो यहीं से हार्डी वेरवेन ने बोला कि यदि किसी भी पॉपुलेशन का, मान लीजिए जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है, उन्होंने बोला कि डोमिनेंट एलील को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से और रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, तो उन्होंने बोला कोई भी एक पॉपुलेशन में जो लार्ज पॉपुलेशन है उसमें पी क्यू इज इक्वल टू वन हमेशा रहेगा, अगर वो पांच फैक्टर एप्लीकेबल हैं तो। और यहां पर पी क्या है, ध्यान देना, पी क्या है, डोमिनेंट एलील है। ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है। और क्यू यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, एलील है ये, ध्यान देना, एलील, एलील है ये, एलील। मतलब जो भी होगी दोनों का सम हमेशा वन रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, यही है सुनना, पूछते हैं ना कि हार्डिंग वेनबर्ग के लॉ का इक्वेशन क्या है, यही है। लेकिन अगर बताओ, अगर बोथ साइड स्क्वायर किया जाए, इधर देखना, अगर बोथ साइड स्क्वायर किया जाए तो बोलो क्या हो जाएगा, क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अरे बोलो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मैंने इधर अरेंज करके लिख दिया, प्लस टू ए बी, मतलब टू पी क्यू, वन का स्क्वायर वन, यानी कि अगर बोथ साइड स्क्वायर किया जाए तो इक्वेशन ये आ जाएगी। ये भी हार्डी वेनबर्ग का ही इक्वेशन है और ये भी हार्डी वेनबर्ग का ही इक्वेशन है, लेकिन ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपांशन है उसका, बाइनोमियल इक्वेशन ही बोलते हैं इसको, ये उसका बाइनोमियल एक्सपांशन है। तो अगर नॉर्मली आपसे पूछे, दोनों ऑप्शन दे दे कि हार्डी वेनबर्ग के लॉ को कौन एक्सप्लेन करता है, बोथ रहे तो बोथ, एक चूज करना पड़े तो इसको, क्योंकि रियल इक्वेशन ये है और उसका बाइनोमियल एक्सपांशन ये है। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है और ये क्या करता है। एक बार बता दूं मैं बच्चों, एक पर्सन एक ही अलील रखता है, और यहाँ पर ये पी और क्यू अलील का फ्रीक्वेंसी था, और यहाँ पर ये पी स्क्वायर, मतलब समझते हो ऐसे पी पी, यानी कि दो डोमिनेंट अलील रखने वाले इंडिविजुअल हैं, और यहाँ पे टू पी क्यू का मतलब समझते हो ऐसे पर्सन है। तो नहीं, यहां से ये टू पी क्यू कब आया पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से आया। ये टू पी क्यू ऐसे पर्सन है जो पी और क्यू दोनों अलील रखते हैं, और ये ऐसे पर्सन है जो क्यू और क्यू रखते हैं। अब इस बात को मैं थोड़ा और डिटेल में लिखता हूं, उधर पी और पी, टू पी क्यू और क्यू। मैं बता दूं बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा कि एक इंडिविजुअल होता है वो डोमिनेंट होता है। अब ये बाइनोमियल एक्सपांशन में पीपी क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ, सारे फ्रीक्वेंसी ही है लेकिन एलील के नहीं है, सुनना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, इंडिविजुअल, 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 इंडिविजुअल का ये फ्रीक्वेंसी, मतलब लोगों का नंबर बताया गया इंडिविजुअल, बट हियर हैविंग, हैविंग, सुनना ध्यान से, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप,
यहाँ पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और यहां पर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। अब आप जानते हो होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या, उसके पास दोनों डोमिनेंट एलील हो। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील हो। और होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या, दोनों ही रिसेसिव एलील। बच्चा गलती करता है यहां पे, ध्यान देना, ये 2PQ जो है ना, ये पूरा का पूरा 2PQ, ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी है किसका, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का। बच्चे जल्दीबाजी में PQ समझ लेते हैं इसको, नहीं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है 2PQ, और ये 2PQ पूरा का पूरा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने ये बोल दिया कि ये क्या है भैया, होमोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइप इंडिविजुअल, तो आप क्या करोगे इस पे इंडिविजुअल पे हाईलाइट करोगे, ये इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी है, किसका, इंडिविजुअल का। और ऐसे इंडिविजुअल का जो यहां पे होमोजाइगस डोमिनेंट, यहां पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यहां पे होमोजाइगस रिसेसिव। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताना है, चलिए बताइए, कहा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, बताओ नवीन सोच के, डोमिनेंट फिनोटाइप। अब वो लोग देखो ना जो जो डोमिनेंट जीनोटाइप रखते थे, तो डोमिनेंट जीनोटाइप से तो फिनोटाइप डोमिनेंट ही आएगा ना यार। अरे बोलो, हाँ सर, तो बताओ क्या हो जाएगा, 0.5। अरे यार वो पूछे नहीं थे हम, डोमिनेंट फिनोटाइप में ये लोग भी हैं और ये लोग भी हैं, होमोजाइगस वाले और हेटेरोजाइगस दोनों वाले हैं, पी स्क्वायर प्लस 2PQ। ये कितनों को समझ में आया, हाथ खड़ा करो तब आगे बढ़ेंगे। नवीन रिवा समझ में आया हम ये क्या किए? यस सर। अरे डोमिनेंट फिनोटाइप पूछा है ना, तो वो दोनों ही लोग होंगे जो डोमिनेंट जीनोटाइप रखते होंगे। चलो रिवा अब तुम सोच के बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस फिनोटाइप बोला ना, डोमिनेंट ना रिसेसिव कुछ नहीं बोला, होमोजाइगस बोला है बस, बस होमोजाइगस। बताओ जल्दी सर, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर होगा। हाँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अरे वो डोमिनेंट थोड़ी बोला है, रिसेसिव थोड़ी बोला है, होमोजाइगस मतलब दोनों ही। ये बहुत सीलिंग मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं एग्जाम में, ये सारा बात आपको नोट्स में ऐड करना। अच्छा एक और बता दो, ईरान बताएगा इस बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस फिनोटाइप बता जल्दी से। 2PQ बस, सिर्फ 2PQ अंडरस्टूड है। यहाँ पे हेटेरोजाइगस केवल डोमिनेंट वाले ही, क्योंकि आप क्वालिटेटिव कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हो, क्वालिटेटिव कैरेक्टर में एक भी डोमिनेंट एलील आया तो डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट फिनोटाइप, डजंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट एलील आया एक्सप्रेस हो गया कैरेक्टर फिनोटाइप। क्या ये स्लाइड सभी को क्लियर है, जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करो सब लोग, क्लियर? इसका इस वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नोट्स में ऐड कर लीजिएगा जल्दी से, फास्ट 1, 2, 3 क्लिक ले लिए। चलिए अब मैं बता रहा हूं, अगर मैंने ऐसा बोला आपको, अब मैं बता रहा हूं क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनवर इक्विलिब्रियम, क्या बोला, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनवर
इक्विलिब्रियम। क्या भैया हरे भाई जल्दी बोलो, नवीन नवीन। हाँ सर इक्विलिब्रियम बोलो वो पांचों सर। अरे इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं PQ=2:1 या फिर पी स्क्वायर प्लस 2PQ+Q²=1 ये है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम कब मेंटेन रहता है जब वो बातों वो पांच बातें अप्लीकेबल हो, ठीक है। अच्छा क्या यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो, अगर ऐसा है तो अगर आपको P देके Q पूछे, सुनिए P देके Q पूछे तो ऐसा कर सकते हो P-1 P देके Q पूछे तो Q=P-1 और अगर Q देके P पूछे तो P=Q-1। अरे 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 सच में उल्टा हो गया यार, उल्टा हो गया। 1 माइनस हाँ 1-P और 1-Q क्या ऐसा कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हार्डी मेंबर, अब मैं कह रहा हूं कि हार्डी मेंबर को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कोई दिमाग लगा के बता सकता है क्या? जिनका दिमाग चल जाए वो हाथ खड़ा कर देना, मैं उनसे पूछ लूंगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दिया हार्डिंग मेंबर इक्विलिब्रियम ये है, मतलब कि हार्डिंग मेंबर में प्रिंसिपल उन्होंने जो बोला है कि जिन फ्रीक्वेंसी क्या रहे कांस्टेंट, यही इक्विलिब्रियम है। तो वो तब रहेगा जब नेचुरल सिलेक्शन ना हो, सेक्सुअल सिलेक्शन ना हो, म्यूटेशन ना हो, जीन फ्लो ना हो और जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। तो मैं कह रहा हूं कि हार्डिंग वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कब अफेक्ट होगा, कब डिस्टर्ब हो जाएगा। रिवा दिमाग लगा पाओगे? नो सर। अरे सिंपल है इसलिए पूछे, स्टार्टिंग में जो वो पांच बात बोले ना, ये पांचों बात, ये अगर ना हो तो बोलो रिवा, ये अगर ना हो तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कि नहीं होता है? मेंटेन होता है, मेंटेन होता है। तो ये अगर हो जाए तो इक्विलिब्रियम, जल्दी बोलो, नहीं मेंटेन होगा, मेंटेन मतलब डिस्टर्ब हो जाए। अरे ये मैं बोला अगर ये अगर ना हो तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, अगर ये हो जाए, मैं ये बोल रहा हूँ, ये अगर हो जाए तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब इफेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये पांच सेम लाइन, ये नो हटा के लिख देना है वहां पे। तो लो लिख दे, क्या सेक्सुअल सिलेक्शन हो जाए वहां पे, पहले नेचुरल सिलेक्शन लिखना चाहिए था ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन प्रेजेंट हो पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन प्रेजेंट हो पॉपुलेशन में, नेचुरल सिलेक्शन प्रेजेंट सेक्सुअल सेक्सुअल सिलेक्शन प्रेजेंट हो, और बोलो मतलब कि इसके बारे ऑब्लिक में क्या लिखोगे, रैंडम मेटिंग या नो रैंडम मेटिंग? नो रैंडम मेटिंग मतलब सेलेक्टेड मेटिंग, नो रैंडम मेटिंग। नेक्स्ट वन जल्दी बोलो, मतलब म्यूटेशन प्रेजेंट हो, म्यूटेशन हो रहा हो पॉपुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट वन जीन फ्लो हो, जीन फ्लो हो मतलब एक कोई पर्सन दूसरे पॉपुलेशन में आए जाए और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी वहां पे हो रहा हो। वन सेकेंड वेट करो, हाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रेजेंट, तो ऐसे केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा। क्यों? कोई एक भी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज किया तो पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बोलो ये लॉ समझ में आ गया, हार्डिंग वेनबर्ग लॉ क्या कहता है? अरे बोलो, इस सारे लॉ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम अभी नया मीटिंग क्रिएट करेंगे और उसमें कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आपको एक न्यूमेरिकल दे के भेजते हैं ताकि आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। आपको एक न्यूमेरिकल हम दे के भेजते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और आप सॉल्व करिएगा बैठ के। अब आप वही वाला क्वेश्चन कीजिए, वही मैंने कहा 100 पी प्लांट है, सुनेगा ध्यान से, और मैंने बोल दिया कि 100 में 75 कैसे हैं, 75 टॉल हैं, और 25 कैसे हैं, ड्वार्फ हैं। तो आपका धर्म क्या होता है, सबसे पहले इस ड्वार्फ का जीनोटाइप लिख लीजिए और इस टॉल का जीनोटाइप लिख लीजिए, ठीक है। अब आप दिमाग लगा के इसको बनाइए, बनता है जो आंसर आता है फिर हम नए मीटिंग में आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
निकालना है, अरे पूछ रहे हैं निकालना क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी एलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, मिलते हैं नए मीटिंग में और इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है।